हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर महमूद खान फ्रॉम डिटॉक्स लेनी भोपाल मध्य प्रदेश। आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके बारे में मोस्टली बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके मैसेजेस करके पूछा है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हम लोग को क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट जो होते हैं। तो आज का टॉपिक है हिजामा से पहले किन चीज़ों को ध्यान रखना है, हिजामा के बाद किन चीज़ों को ध्यान रखना है, और हिजामा दरअसल अगर हमें करवाना है तो हमें किन चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारा हिजामा प्रॉपर हो पाए। तो आइए इसी तरीके से हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि हिजामा से पहले किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेनली जनरली अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, कोई पेन हो रहा है, तो उसके लिए आप हिजामा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ होते हैं, या उनका बीपी लो हाई होता है, या बहुत सारे लोग खून पतला करने की दवाई खाते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, तो ख़ास तौर पे इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि जैसे किसी को बीपी हाई है, उसमें अगर वो हिजामा कराना चाहते हैं तो बेशक हो सकता है। किसी को अगर डायबिटीज़ है, बट अगर डायबिटीज़ किसी के हाई है लो है, तो वो हिजामा नहीं करा सकते। उन्हें सबसे पहले अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके साथ जो लोग एस्पिरिन लेते हैं, खून पतला करने की दवाई लेते हैं, तो उन्हें 2 दिन पहले ये दवाई नहीं लेना पड़ेगी, जिसकी वजह से उनको 2 दिन के बाद जब वो हिजामा करेंगे तो किसी तरीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़, इसके अंदर आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है खास तौर पर। पहला तो आपको नहाकर हिजामा कराने नहीं जाना है, आपको नहाना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको हैवी मील नहीं खाना, आप लाइट मील खा सकते हो। लाइट मील जैसे दाल सब्जी रोटी वगैरह अगर आप लेंगे तो आपका डाइजेशन कम होगा, डाइजेशन कम होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, और जो टॉक्सिटी गंदगी जो हिजामा के ज़रिए से निकालना चाहते हैं वो अच्छे से आप पे हिजामा हो सकता है। और किसी भी तरीके से आप चाहें तो जूस पी के जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और हिजामा कराने से पहले खाली पेट होना ज़रूरी है, कम से कम 5 से 6 घंटे का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग हिजामा करा रहे हैं तो आप हल्का सा नाश्ता कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, उसके ठीक 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद आप हिजामा करा रहे हैं तो आपका हिजामा बहुत अच्छा होगा। और हिजामे के दौरान आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि आपका बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है वो कम नहीं होना चाहिए। किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हिजामा कराने के बाद हीमोग्लोबिन की वीकनेस आ सकती है, जिससे आपको कमजोरी या चक्कर भी आ सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर है तो आपका हिजामा परफेक्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। ख़ास तौर पे कुछ लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हिजामा के दौरान जब उन पर कप लगता है या कट लगता है वो थोड़ा सेंसिटिविटी हो सकता है। तो अगर आपको स्किन सेंसिटिविटी है तो हिजामा कराने से पहले डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर ले अपनी इस परेशानी को। उसके बाद अगर आप हिजामा करा रहे हैं तो पहले आपको ये पता करना ज़रूरी है कि हिजामा के अंदर जो गंदा खून निकलता है उसमें आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी या गंदगी है या नहीं। तो ये डॉक्टर आपका डायग्नोस के ज़रिए से पता कर सकते हैं। जैसे हम भोपाल पे क्लिनिक पे हिजामा करने से पहले पेशेंट के ऊपर डायग्नोस करते हैं, क्योंकि हमें अगर ट्रीटमेंट ही करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें चेहरे का ट्रीटमेंट करना है या बालों का ट्रीटमेंट करना है, तो ये सेशन जो होते हैं इसमें एक बार में तो 100% नहीं हो सकता। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होते हैं और ट्रीटमेंट में सेशंस लगते हैं। तो जो सेशंस होते हैं वो हम पेशेंट के डायग्नोस करते हैं, टॉक्सिटी पता करते हैं, जो लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक के बीच में होती है ना। तो ये हमें अगर पता चल जाता है कि हमारा टॉक्सिटी है लेवल 6 से की टॉक्सिटी है, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 या 7 सेशन लगते हैं। अगर टॉक्सिटी लेवल 3 की होती है तो 1-2 सेशन में ही उनका काम हो जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हिजामा करा रहे हैं, है ना। तो ये होना ज़रूरी होता है। और स्पेशली जो कट होता है वो बहुत बारीक होना चाहिए, 0.5 mm का होना चाहिए। अगर कोई बड़े बड़े कट दे रहा है आप पे तो वो आपके लिए जख्म बन सकता है, आपको बाद में तकलीफ दे सकता है ना, खास तौर पे। और हिजामा के बाद किन चीज़ों को ध्यान रखना, हिजामा के बाद सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 24 घंटे के लिए। उसके बाद आपकी जो नॉर्मल लाइफ है जैसी चाहे वैसी हो सकती है। पहले तो हिजामा कराने के बाद आपको नहाना नहीं है। नहाने का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं कट दिए हुआ है, आप उसे पानी लगेगा तो एंटीसेप्टिक हो सकता है या कोई जख्म आपका पक सकता है। सेकंड थिंग, आपको हैवी खाना खाने का मना होता है। हैवी खाना जैसे दूध की बनी चीज़ें या नॉनवेज खाने का मना होता है। नॉनवेज खाने से आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो डाइजेशन में चले जाता है, और अगर आप लाइट मील लेते हो तो लाइट मील होने के साथ आपका डाइजेशन कम होता है, जिससे आपकी बॉडी पे जहाँ कट दिए जाते हैं वो आपकी हीलिंग तेज करते हैं। अगर आप लाइट मील लोगे, अगर आप हैवी मील खाओगे, नॉनवेज खाओगे, दूध की चीज़ें, दूध पनीर दही खाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपको जो कट पे खून चाहिए होता है आपके जख्म को ठीक करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। इसी तरीके से ख़ास तौर पे नहाने का, नॉनवेज का, पानी की चीज़ों का और मिल्क प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है। इससे आपका हिजामा में कोई बाद में कराने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। और
आप इसको सबसे बेहतरीन सीजन जो होता है वो होता है सर्दी का। सर्दी में आप हजामा जितना करेंगे उतना फायदेमंद है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर आप हजामा कराते हो तो गर्मी की वजह से स्वेट पसीना आता है, जो कि अगर आपका हजामा करा है तो उस कट पे आपका पसीना लगेगा, आपका स्वेट लगेगा, जिससे क्या होगा, आपको जलन पड़ सकती है ना, जलन होने से इचिंग भी हो सकती है। तो सबसे बेहतरीन सीजन जो होता है जिसमें आप हिजामा प्रिफर कर सकते हो, अपनी बॉडी पे करा सकते हो, वो सर्दी का होता है। बारिश के मौसम में जैसे मैंने पानी का ऑलरेडी आपको बताया कि पानी आपकी हिजामा के बाद किसी भी तरीके से आपके बॉडी पे या जहाँ हिजामा कराए वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो एंटीसेप्टिक हो सकता है ना। और पसीना, क्योंकि हमारा जो स्वेट होता है वो सॉल्टी होता है, सॉल्टी होने की वजह से आपके जख्म पे अगर पसीना आता है तो वो आपको जलन पैदा कर सकता है ना। तो जो बेस्ट ऑल ओवर सीजन पूरे साल का होता है वो सर्दी के हिसाब से हिजामा करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यही चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है उन लोगों के लिए जैसे फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में हिजामा तब मना होता है जब वो प्रेगनेंस है, या किसी को हार्ट इशू आ रहा है, या किसी का अगर पेसमेकर लगा हुआ है, या किसी की डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा जा रही है, किसी का बीपी अगर लो आ रहा है, तो इन लोगों पे हिजामा करना मना होता है। बॉडी कुछ कुछ जगह जहाँ हिजामा अपन डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हैं, जब वो बैक पे हो, लेग्स पे हो, हैंड्स पे हो या सर पे हो, है ना। लेकिन जैसे स्टमक है, पेट है, वहाँ पर लिवर, किडनी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन पर हिजामा करना मना है, सख्ती से मना करा गया है। और अगर इस जगह पे अपन दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो, बट हिजामा का मना कर रहा है। तो ये चीज़ आपको जहन में ध्यान में रखनी है कि आप जब हिजामा कराने कभी जाते तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कि अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, या आपका बीपी लो रहता है, या आप खून पतला करने की दवाई लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हिजामा के बीच में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी स्किन सेंसिटिविटी कैसी है, या अगर ऐसा तो नहीं आपका हीमोग्लोबिन कम है ना। हिजामा कराने के बाद आपको नॉनवेज का, पानी का ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आपको हिजामा के दौरान ध्यान रखनी है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका हिजामा बेस्ट होगा और आपको किसी तरीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ को लेके था, जो चीज़ आपने मोस्टली हमेशा मुझे मैसेजेस में पूछे हैं, कमेंट्स में पूछे हैं। तो होप आपका जितनी भी क्वारीज हैं उसमें मैंने आपकी, मेरी नॉलेज से आपकी मदद करी होगी, और आपको डेफिनेटली अगर मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, मेरा और वीडियो अच्छा लगा हो, तो हम चाहते हैं ये नॉलेज दूर दूर तक जाए, लोगों तक इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।